चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की भी टेक न्यूज़, जो कि हमारी टेक न्यूज़ नंबर 6 आपको देखने को मिलने वाली है। सो गाइस, हर वीडियो की तरह आज भी मैं आप लोगों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टेक न्यूज़ लेकर के आ चुका हूँ। जो टेक न्यूज़ सामने निकल करके आ रही है, इंटरेस्टिंग टेक न्यूज़ आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो आप लोग देख लेते हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोगों के लिए ही जो है मैं इतने इंटरेस्टिंग न्यूज़ लेकर के आता रहता हूँ। चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो दोस्तों, पहली न्यूज़ जो है ट्विटर को लेकर के आ रही है। ट्विटर ने अपने यूज़र्स के लिए, जो कि क्रिकेट लवर्स हैं, उन लोगों के लिए नया फीचर ऐड कर दिया है। क्रिकेट लाइव स्कोर कार्ड आपको ट्विटर के ऊपर में देखने को मिलने वाली है। ट्विटर के ऊपर में दोस्तों ये फीचर जो है रोल आउट हो चुकी है। बात कर लेते हैं दूसरी न्यूज़ की। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको कल की न्यूज़ में बताया था, व्हाट्सअप जो है 1 नवंबर से बहुत सारे स्मार्टफोन में वर्क नहीं करने वाली है। तो दोस्तों, व्हाट्सअप की जो है लिस्ट जारी हो चुकी है, कौन कौन से स्मार्टफोन में वर्क नहीं करेगी, जो अभी आपको सामने दिख रही होगी। तो दोस्तों, अगर आप भी वर्क करना चाहते हैं, व्हाट्सअप यूज़ करना चाहते हैं, तो आप अपने स्मार्टफोन को अपग्रेड कीजिए, या तो फिर आप अपने वॉइस सिस्टम को जो है अपडेट कीजिए अगर वो आपकी अपडेट मांग रही है तो। नहीं तो दोस्तों, आप जो है नया फोन लेकर के व्हाट्सअप यूज़ कर सकते हैं। आपको जो है लिस्ट सामने में दिख रहा है, आप स्क्रीनशॉट लेकर के देख सकते हैं। सो गाइस, TCL ने अपना नया टैब लॉन्च कर दिया, जो कि बहुत ही धमाकेदार आपको टैब देखने को मिल रही है। 10.36 इंच की आपको HDR डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। साथ ही में दोस्तों, बेजल्स आपको इसमें मोटे देखने को मिलती है। पतले बेजल्स हो सकते थे, लेकिन बड़ी डिस्प्ले होने के कारण आपको बेजल्स मोटे देखने को मिल रही है। Qualcomm Snapdragon 480 का प्रोसेसर देखने को मिल रहा है, जिसके साथ 4GB रैम और 64GB की स्टोरेज वेरियंट के साथ ये टैब आपको देखने को मिल रही है। फोन में दोस्तों, आपको अगर बैटरी की बात कर लिया जाए तो 8000 mAh की आपको बैटरी देखने को मिल रही है, जिसे चार्ज करने के लिए 18W की फास्ट चार्जिंग इन दी बॉक्स आपको दिया जा रहा है। और साथ ही में दोस्तों, इसमें आपको 4GB की रैम वेरिएंट देखने को मिल जाती है, और एंड्रॉइड वर्जन 11 पे आपको जो है ये टैब वर्क करती हुई दिख जाती है। फोन में आपको डुअल स्पीकर देखने को मिल जाती है। लेकिन दोस्तों, इस स्मार्टफोन में जो है आपको इस टैब में जो है एक कमी देखने को मिल रही है, जो कि 3.5mm ऑडियो जैक इसमें मिसिंग है। आपको 3.5mm की जो ऑडियो जैक होती है वो इसमें आपको मिसिंग है, वो देखने को नहीं मिल रही है। अब बात कर लेते हैं इसकी प्राइस की। तो 29,833 में से लॉन्च करी गई है। अब इंडिया मार्केट में दोस्तों इसकी क्या प्राइस होने वाली है वो सामने निकल करके नहीं आई है, लेकिन एज आई एक्सपेक्टेड इसकी प्राइस जो है इंडियन मार्केट में 31,999 देखने को मिलने वाली है। वैसे दोस्तों, आगे भी बहुत ही अच्छी अच्छी टेक न्यूज़ मैं आपको बताने वाला हूँ, तो उससे पहले जो है वीडियो को लाइक कर लीजिए, ताकि आगे आपको डिस्टर्बेंस ना हो। सो गाइस, नेक्स्ट न्यूज़ जो है वो जियो फोन नेक्स्ट से देखने को मिल रही है। दोस्तों, ये स्मार्टफोन जो है बहुत ही जल्द लॉन्च होने वाली है। गूगल प्ले कंसोल के ऊपर में लिस्ट हो चुकी है, जिसमें देखा गया है कि आपको HD+ की डिस्प्ले देखने को मिल रही है। Qualcomm Snapdragon 215 की आपको प्रोसेसर देखने को मिल रही है, और साथ ही में इसकी जो है फ्रंट इमेज भी सामने निकल करके आई है, जिससे पता चल रहा है कि फ़ोन में जो है आपको मोटे बेजल्स देखने को मिलने वाली है। फ़ोन आपको 5G देखने को मिलेगी, मोटे बेजल्स के साथ आपको स्मार्टफोन देखने को मिल जाएगी। और दोस्तों, एक इंटरेस्टिंग बात बता दूं तो, आपको दिवाली से पहले इस स्मार्टफोन को लॉन्च करने वाली है जियो कंपनी। प्राइस की बात कर लिया जाए तो आपको जो है 3000 के अप्रॉक्स देखने को मिलने वाली है। 3000 से लेकर 3500 के बीच में आपको इस स्मार्टफोन की प्राइस होने वाली है, जो कि जियो फोन नेक्स्ट आपको देखने को मिल जाएगी दिवाली से पहले। सो गाइस, नेक्स्ट न्यूज़ जो है वो गेमिंग लवर्स के लिए होने वाली है। BGMI के तरफ से दोस्तों, आपको 1 करोड़ रुपये का जो है बहुत बड़ा है टूर्नामेंट होने वाला है, जिसकी डेट अभी सामने निकल करके नहीं आई है। और दोस्तों, ये जो टूर्नामेंट होने वाला है IQ ब्रांड के साथ पार्टनरशिप करके जो है आपको ये टूर्नामेंट देखने को मिलने वाली है। डेट सामने निकल करके नहीं आई है, लेकिन दोस्तों, इसमें जो आपको विनर टीम होने वाली है उसको 1 करोड़ रुपये का जो है आपको गिफ्ट देखने को मिलने वाली है, जो कि क्राफ्टन और IQ कंपनी की तरफ से दिया जाएगा 1 करोड़ रुपये की विनर टीम को, जो कि BGMI के ऊपर में बहुत ही जल्द आपको देखने को मिलने वाली है। सो गाइस, बहुत ही जल्द वीवो ब्रांड की ओर से जो है वीवो X60 सीरीज की नई स्मार्टफोन देखने को मिलने वाली है, जो कि वीवो X60T आपको देखने को मिल जाएगी। इसकी रेंडर सामने निकल करके आ चुकी है। डिजाइन दोस्तों, आपको सेम X60 प्रो की जैसे ही देखने को मिलने वाली है, लेकिन प्रोसेसर जो दोस्तों इसमें आपको मिलेगी वो MediaTek Dimensity 1200 की प्रोसेसर देखने को मिल जाएगी। डिस्प्ले 6.56 इंच की AMOLED डिस्प्ले मिलेगी, और साथ ही में आपको इसमें 32 MP की फ्रंट कैमरा, 48 MP की रियर कैमरा देखने को मिलेगी। 4200 mAh की बैटरी देखने को मिलेगी, और जिसे चार्ज करने के लिए आपको 33W की फास्ट चार्जिंग इन दी बॉक्स देखने को मिल जाएगी, जो कि वीवो X60T सीरीज की आपको देखने को मिलने वाली है। X60 सीरीज में आपको T वेरिएंट भी अब देखने को मिलने वाली है बहुत ही जल्द।
अब दोस्तों नेक्स्ट न्यूज़ की बात करें तो पबजी न्यू स्टेट से देखने को मिल रही है। इंतजार हुआ खत्म, पबजी न्यू स्टेट की लॉन्च डेट सामने निकल करके आ चुकी है। आगे बढ़ने से पहले आप लोग कितने एक्साइटेड हैं, कितने लोग एक्साइटेड हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। सो गाइस लॉन्च डेट की बात कर लिया जाए तो लॉन्च डेट इसकी जो सामने निकल के आई है वो 11 नवंबर आपको देखने को मिल रही है। सो अब देखते हैं 11 नवंबर को कि पबजी न्यू स्टेट जो है पबजी BGMI से कितने अलग देखने को मिलती है। वैसे दोस्तों इसके जो है प्री रजिस्ट्रेशन चालू अभी तक नहीं किया तो कर लीजिए, अर्ली एक्सेस जैसे इसकी आएगी तो आप लोगों को भी मिल जाएगी। अगर प्री रजिस्ट्रेशन करके रखे हुए होंगे ऑटो डाउनलोड पर करके रखेंगे तो आपको अर्ली एक्सेस बहुत ही जल्द भी देखने को मिलने वाली है। सो गाइस अगली न्यूज़ है वो गूगल की तरफ से है, गूगल पिक्सल, जिसमें दोस्तों एंड्रॉयड 12 को लॉन्च कर दिया गया है और लिस्ट भी जारी कर दी गई है कौन कौन से सीरीज में आपको देखने को मिलने वाली है। तो आपको गूगल पिक्सल 3 सीरीज में, 4 सीरीज में और 5 सीरीज में देखने को मिलेगी, 6 सीरीज में भी देखने को मिलेगी, लेकिन दोस्तों उसे इंडिया के अंदर लाया नहीं जा रहा है जिसके कारण लिस्ट में जो है उसका नाम आपको देखने को नहीं मिल रही है। सो गाइस बात कर लेते हैं सबसे आखिरी टेक न्यूज़ की, सबसे आखिरी न्यूज़ की। तो दोस्तों आपको जो है फेस्टिवल सेल जो चल रही है अमेजोन फ्लिपकार्ट जितने भी ऑनलाइन शॉपिंग साइट है सभी के ऊपर में, उन सब में से अगर बात कर लिया जाए अभी तक कितने की स्मार्टफोन बेची गई है प्राइस इंक्रीज करने के बाद, तो 58,000 करोड़ की स्मार्टफोन जो है अभी तक सेलिंग हो चुकी है फ्लिपकार्ट और अमेजोन इन दोनों साइट से लेकर के 58,000 करोड़ रुपए की स्मार्टफोन की सेलिंग हो चुकी है। सो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, आज की वीडियो में बस इतना ही, आपसे मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए क्योंकि इसी तरह की लेटेस्ट वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करवाता रहता हूँ। चलिए दोस्तों अब आपसे मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।